आज मैं आपको ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जिसके 87 बच्चे थे, जिसमें 69 बच्चे पहली वाइफ के साथ और 18 बच्चे दूसरी वाइफ के साथ। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। रसिया के एक किसान थे जिनका नाम था फियोडोर वैसिलियेव, जिनकी फर्स्ट वाइफ थी वैलेंटिना वैसिलियेव, जिन्होंने साल 1725 से 1765 के बीच में 27 बार बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें 16 बार उनके जुड़वा बच्चे हुए, 7 बार ट्रिपलेट्स हुए और 4 बार क्वाड ट्रिपलेट्स हुए, यानी पहली वाइफ के 69 बच्चे थे। और फिर फियोडोर ने दूसरी शादी थी और उनकी दूसरी वाइफ ने 8 बार बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें 6 बार ट्विन्स हुए और 2 बार ट्रिपलेट्स हुए, यानी दूसरी वाइफ के 18 बच्चे थे। और फियोडोर की दोनों वाइफ को मिलाके उनके टोटल 87 बच्चे थे, जिसमें हर बार या तो ट्विन्स हुए या ट्रिपलेट्स हुए या क्वाड ट्रिपलेट्स हुए, एक बार में एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना।